श्री पेजावर मठ के परम श्रद्धे पूज्य श्री विश्वेश तीर्थ स्वामी जी, श्री विश्व प्रसन्न तीर्थ स्वामी जी, श्री राघवेंद्र मठ के श्री श्री शुभेंद्र तीर्थ स्वामी जी और वहां कार्यक्रम में उपस्थित सभी श्रद्धालुगण, पूज्य स्वामी जी ने कहा कि यह यांत्रिक रूप से आना संतुष्ट नहीं होता है, मैं भी यांत्रिक रूप से संतुष्ट नहीं होता हूं। मुझे भी खुशी होगी क्योंकि पहले भी आपके चरणों में, ईश्वर के चरणों में उड़ीपी आने का सौभाग्य मिलता रहा है। आपके आशीर्वाद रहे, ईश्वर ने चाहा तो दोबारा भी आपके बीच प्रत्यक्ष आने का सौभाग्य मिलेगा ही। भारत में भक्ति आंदोलन के समय से सबसे बड़े दार्शनिकों में एक जगतगुरु संत श्री मध्वाचार्य जी के 7वीं शताब्दी समारोह में उपस्थित होने से मैं अभिभूत हूं, मैं गर्व महसूस करता हूं। कार्यकाल की व्यस्तता के कारण मैं उडुपी नहीं पहुंच पाया और शायद आपने टीवी में देखा होगा, मैं अभी अभी सीधा अलीगढ़ से लौटा हूं। लेकिन ये मेरा परम सौभाग्य है कि आप सभी के आशीर्वाद लेने का सुअवसर मुझे आज प्राप्त हुआ। मानव जाति के नैतिक और आध्यात्मिक उत्थान के लिए जिस प्रकार से संत श्री मध्वाचार्य जी के संदेश का प्रचार प्रसार किया जा रहा है, मैं उसके लिए सभी आचार्यों का, मनीषियों का हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। कर्नाटक की भूमि पुण्य भूमि है, उडुपी की भूमि पुण्य भूमि है। मैं इस धरती को प्रणाम करता हूं जहां एक और मध्वाचार्य जैसे संत हुए, वहीं आचार्य शंकर और आचार्य रामानुज जैसे पुण्य आत्माओं ने भी इसे विशेष स्नेह दिया। उडुपी श्री मध्वाचार्य जी की जन्मभूमि और कर्मभूमि रही है। श्री मध्वाचार्य जी ने अपना प्रसिद्ध गीता भाष्य उडुपी की इसी पवित्र भूमि पर लिखा था। श्री मध्वाचार्य जी यहां के कृष्ण मंदिर के संस्थापक भी थे और जैसा पूज्य विश्वेश्वर तीर्थ जी ने बताया, और जब मैं रूबरू आया था तो आपने बड़ा विस्तार से मेरे सामने वर्णन किया था कि भगवान श्री कृष्ण मूर्ति द्वारिका से आई है, तो मेरा स्वाभाविक लगाव होना बहुत आनंद होता है। आपने भी अपने भाषण में मेरा गुजरात का नाता और श्री कृष्ण का द्वारका का नाता, इसको जोड़ करके आशीर्वाद दिए, मैं आपका बहुत आभारी हूं। उडुपी से मेरा लगाव कुछ और कारणों से भी रहा है। मुझे कई बार उडुपी आने का अवसर मिला है। 1968 से लेकर 4 दशक से भी ज्यादा तक उडुपी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनसंघ ने संभाली। 1968 में उडुपी पहली ऐसी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बनी थी जिसने मैनुअल स्कैवेंजिंग पर रोक लगाई थी, माथे पर मैला ढोने पर रोक लगाई थी।
1984 और 1989 में दो बार उड़ीपी को स्वच्छ शहर के रूप में सम्मानित किया गया था। स्वच्छता को लेकर, मानवीय मूल्यों को लेकर जनशक्ति को जागरूक करने की हमारी प्रतिबद्धता का यह जीता जागता उदाहरण रहा है। मुझे और एक खुशी भी है कि इस कार्यक्रम में पूज्य विश्वेश तीर्थ स्वामी जी स्वयं उपस्थित हैं। 8 वर्ष की छोटी सी आयु में संन्यास लेने के बाद अपने जीवन के 80 वर्ष उन्होंने अपने देश को, अपने समाज को मजबूत करने में लगा दिए। देश के कोने कोने में जाकर अशिक्षा, अंधश्रद्धा, जातिवाद, गौ संवर्धन, ऐसे अनेक विषय जिसकी उन्होंने मुहिम चलाई, ये स्वामी जी के पुण्य कर्मों का ही प्रभाव है कि उन्हें 5वें पर्याय का अवसर मिला है। ऐसे संत पुरुष को मैं फिर एक बार बहुत हृदय से नमन करता हूं। भाइयों और बहनों, हमारे देश का इतिहास हजारों वर्ष पुराना है। हजारों साल का इतिहास समेटे हुए हमारे देश में समय के साथ परिवर्तन आते रहते हैं। व्यक्ति में परिवर्तन, समाज में परिवर्तन, व्यवस्थाओं में परिवर्तन, लेकिन इतना लंबा दीर्घकाल होने के कारण कई बार समाज में बुराइयां भी व्याप्त हो जाती है। हमारा समाज भी अच्छाइयों का भरमार होने के बावजूद भी बुराइयों से बचा नहीं है, लेकिन ये हमारे समाज की विशेषता है कि जब भी ऐसी बुराइयां आई हैं तो सुधार का काम समाज के बीच में ही कोई न कोई ऐसा पैदा हुआ है, हर युग में पैदा हुआ है और उसी ने जिम्मेवारी उठाई और समाज के परंपरागत प्रवाह के खिलाफ वो खड़े हो गए, समाज को ले जाने का प्रयास किया। एक काल ऐसा था भी आया जब इसका नेतृत्व हमारे देश के साधु संत, ऋषि मुनि, महर्षि, तपस्वी, उन्हीं के हाथों में था। ये भारतीय समाज की अद्भुत क्षमता है कि समय समय पर हमें ऐसे देव तुल्य महापुरुष मिले जिन्होंने इन बुराइयों को पहचाना, उनसे मुक्ति का रास्ता दिखाया। श्री मध्वाचार्य जी भी ऐसे ही एक महान संत थे, समाज सुधारक थे, अपने समय के अग्रदूत थे। उनके अनेक ऐसे उदाहरण हैं जब उन्होंने प्रचलित कुरीतियों के खिलाफ अपने विचार रखे, समाज को नई दिशा दिखाई। यज्ञ में पशु बलि बंद कराने का सामाजिक सुधार श्री मध्वाचार्य जी जैसे महान संत की ही देन है। हमारा इतिहास गवाह है कि हमारे संतों ने सैकड़ों वर्ष पहले समाज में जो गलत रीतियां चली आ रही थी उन्हें सुधारने के लिए एक जन आंदोलन शुरू किया। उन्होंने इस जन आंदोलन को भक्ति से जोड़ा। भक्ति का यह आंदोलन दक्षिण भारत से चलकर अलग अलग राज्यों से गुजरता हुआ
चाहे पश्चिम हो, उत्तर हो, पूरब हो, मध्य हो, समग्र भारत को भक्ति युग का साया मिल गया। उस भक्ति युग में, उस कालखंड में हिंदुस्तान के हर क्षेत्र, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, हर दिशा, हर भाषा भाषी, हर प्रकार के मंदिरों में, मठों में हमारे संतों ने परंपराओं से बाहर निकल करके राष्ट्र में चेतना जगाने का, राष्ट्र की आत्मा को जगाने का एक भरपूर प्रयास किया। भक्ति आंदोलन की लौ दक्षिण में मध्वाचार्य, निम्बर्काचार्य, वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य, पश्चिम में मीराबाई, एकनाथ, तुकाराम, रामदास, नरसिंह मेहता, उत्तर में रामानंद, कबीरदास, गोस्वामी तुलसीदास, सूरदास जी, गुरु नानक देव, संत रविदास, पूर्व में चैतन्य महाप्रभु, शंकर देव जैसे संतों के विचारों से ये पूरा भक्ति आंदोलन सशक्त हुआ, समाज में चेतना जगी। इन्हीं संतों, इन्हीं महापुरुषों का प्रभाव था कि हिंदुस्तान आज उस दौर में भी तमाम विपत्तियों को सहते हुए आगे बढ़ पाया, खुद को बचा पाया। आदि शंकराचार्य ने देश के चारों कोनों में जाकर लोगों को सांसारिकता से ऊपर उठकर ईश्वर में लीन होने का रास्ता दिखाया। रामानुजाचार्य जी ने विशिष्ट द्वैतवाद की व्याख्या की। उन्होंने भी जाति की सीमाओं से ऊपर उठकर ईश्वर को प्राप्त करने का रास्ता दिखाया। वो कहते थे, कर्म, ज्ञान और भक्ति से ही ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। उन्हीं के दिखाए रास्ते पर चलते हुए संत रामानंद जी ने सभी जातियों और धर्मों के लोगों को अपना शिष्य बनाकर जातिवाद पर कड़ा प्रहार किया था। संत कबीर ने भी जाति प्रथा और कर्म कांडों से समाज को मुक्ति दिलाने के लिए अथक प्रयास किए। और कबीर तो कहा करते थे, पानी केरा बुलबुला, पानी केरा बुलबुला, अस मानस की जात। जीवन का इतना बड़ा सत्य उन्होंने इतने आसान शब्दों में हमारे समाज के सामने रख दिया था। गुरु नानक देव कहते थे, मानव की जात सभो एक पहचानबो, मानव की जात सभो एक पहचानबो। संत वल्लभाचार्य जी ने स्नेह और प्रेम के मार्ग पर चलते हुए मुक्ति का रास्ता दिखाया। चैतन्य महाप्रभु ने भी अस्पृश्यता के खिलाफ समाज को नई दिशा दिखाई। संतों की ऐसी श्रृंखला भारत के जीवंत समाज का ही प्रतिबिंब है, परिणाम है। समाज में जो भी चुनौती आती है उसके उत्तर आध्यात्मिक रूप में प्रकट होते रहे हैं। इसलिए पूरे देश में शायद ही ऐसा कोई जिला होगा, ऐसा कोई तालुका होगा, ब्लॉक होगा, जहां कोई न कोई संत का जन्म न हुआ हो। संत भारतीय समाज की पीड़ा का उपाय बनकर के आए हैं, अपने जीवन से, अपने उपदेश से, अपने साहित्य से उन्होंने समाज को सुधारने का भरसक प्रयास किया। भक्ति आंदोलन के दौरान धर्म, दर्शन और साहित्य की एक ऐसी त्रिवेणी स्थापित हुई जो आज भी हम सभी को प्रेरणा देती है। इसी दौर में रहीम ने कहा था, और रहीम कहते थे,
वे रहीम नरधन्य है, पर उपकारी अंग बांटन वारे को लगे जो मेहंदी को रंग। मतलब जिस प्रकार मेहंदी बांटने वाले के हाथ पर भी मेहंदी का रंग लग जाता है, उसी तरह से जो परोपकारी होता है, दूसरों की मदद करता है, उनकी भलाई के काम करता है, उसका भी अपने आप भला हो जाता है। भक्ति काल के इस खंड में रसखान, सुरदास, मलिक मोहम्मद जायसी, केशवदास, विद्यापति जैसी अनेक महान आत्माएं हुई जिन्होंने अपनी बोली से, अपने साहित्य से समाज को ना सिर्फ आईना दिखाया बल्कि उसे सुधारने का भी पूरा प्रयास किया। मनुष्य की जिंदगी में कर्म, इंसान के आचरण की जो महत्ता है, उसे हमारे साधु संत हमेशा सर्वोपरि रखते थे। गुजरात के महान संत नरसिंह मेहता, जिनका एक भजन महात्मा गांधी को प्रिय था, हम सब भी उस पूरे भजन को बोल सकते हैं। हमें पता तक नहीं रहा है कि वो किस भाषा में लिखा गया है, इतना वो भजन हमारे में रम गया है। सदियों पहले नरसिंह मेहता कहते थे, वाच काच मन निश्चल राखे पर धन नव जाले हाथ रे। यानी व्यक्ति अपने शब्दों को, अपने कार्य को, अपने विचारों को हमेशा पवित्र रखता है, अपने हाथ से दूसरों के धन को स्पर्श ना करे। आज जब देश काले धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रहा है, तो पूज्य बापू को जो भजन पसंद था, सदियों पहले लिखा गया भजन भी आज भी हमें यही संदेश देता है, पर धन नव जाले हाथ रे। और इसलिए दुनिया को अनुभव मंटप या पहली संसद का मंत्र देने वाले महान समाज सुधारक श्री बसवेश्वर भी कहते थे कि मनुष्य जीवन निस्वार्थ कर्म योग से ही प्रकाशित होगा। सामाजिक और व्यक्तिगत आचरण में स्वार्थ आना ही भ्रष्टाचार का पहला कारण होता है। निस्वार्थ कर्म योग को जितना बढ़ावा दिया जाएगा, उतना ही समाज से भ्रष्ट आचरण भी कम होगा। श्री मध्वाचार्य जी ने भी हमेशा इस बात पर जोर दिया कि कोई भी काम न छोटा होता है न बड़ा होता है, पूरी ईमानदारी से किया गया कार्य, पूरी निष्ठा से किया गया कार्य, ये ईश्वर की पूजा करने की तरह ही होता है। कर्म में ही धर्म देखा, कर्म में ही परमात्मा देखा। वे कहते थे कि जैसे, ये बड़ी बहुत महत्वपूर्ण बात पूज्य मध्वाचार्य जी ने कही है, वो कहते थे कि जैसे हम सरकार को टैक्स देते हैं, वैसे ही जब हम मानवता की सेवा करते हैं तो वो सेवा ईश्वर को टैक्स देने की तरह होता है। देखिए कितनी सरल भाषा में जन सेवा ही प्रभु सेवा, मध्वाचार्य जी ने कितने सरल शब्दों में हमें यह संदेश दिया। हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि हिंदुस्तान के पास ऐसी महान परंपरा है,
ऐसी महान संत है, मुनि है, ऋषि मुनि है, महापुरुष रहे हैं जिन्होंने अपनी तपस्या, अपने ज्ञान का उपयोग राष्ट्र के भाग्य को बदलने के लिए, राष्ट्र का निर्माण करने के लिए किया है। हमारे संतों ने पूरे समाज को जात से जगत की ओर, स्व से समष्टि की ओर, अहम से वयम की ओर, जीव से शिव की ओर, जीवात्मा से परमात्मा की ओर जाने के लिए प्रेरित किया। स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ज्योतिबा फुले, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, पांडुरंग शास्त्री आठवले, विनोबा भावे, अनगणित महापुरुष हमारी इस आध्यात्मिक चेतना को, आध्यात्मिक धारा को हमेशा चेतनमय रखा। समाज में चली आ रही कुरीतियों के खिलाफ जन आंदोलन शुरू किया। जात पात मिटाने से लेकर जन जागृति तक, भक्ति से लेकर जन शक्ति तक, सती प्रथा को रोकने से लेकर स्वच्छता को बढ़ाने तक, सामाजिक समरसता से लेकर शिक्षा तक, स्वास्थ्य से लेकर साहित्य तक उन्होंने अपनी छाप छोड़ी है, जनमन को बदला है। इन जैसी महान विभूतियों ने देश को एक ऐसी शक्ति दी है जो अद्भुत अतुलनीय है। भाइयों और बहनों, सामाजिक बुराइयों को खत्म करते रहने की ऐसी महान संत परंपरा के कारण ही हम सदियों से अपनी सांस्कृतिक विरासत को सहज पाए हैं, संभाल पाए हैं, संवार पाए हैं। ऐसी महान संत परंपरा के कारण ही हम राष्ट्रीय एकीकरण और राष्ट्र निर्माण की अवधारणाओं को साकार करते आए हैं। ऐसे संत किसी युग तक सीमित नहीं रहे हैं, बल्कि वे युगों युगों तक अपना प्रभाव डालते रहे हैं। हमारे देश के संतों ने हमेशा समाज को इस बात के लिए प्रेरित किया कि हर धर्म से ऊपर अगर कोई धर्म है तो वो मानव धर्म है। आज भी हमारे देश, हमारे समाज के सामने अनेक चुनौतियां हैं, चुनौतियां विद्यमान है। इन चुनौतियों से निपटने में संत समाज और मठ मंदिर बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। जब संत समाज, ऋषि मुनि, विद्वज्जन अगर वे कहते हैं कि स्वच्छता ही ईश्वर है, तो उसका प्रभाव सरकार के किसी भी अभियान से ज्यादा होता है। आर्थिक रूप से शुचिता की प्रेरणा भी इसी से मिलती है। भ्रष्ट आचरण यदि आज के समाज की चुनौती है, तो उसका उपाय भी आधुनिक संत समाज दे सकता है। पर्यावरण संरक्षण में भी संत समाज की बड़ी भूमिका है। हम तो उस संस्कृति के विरासत को लेकर के जी रहे हैं जहां पौधे में हम परमात्मा देखते हैं, हम पेड़ को भी ईश्वर मानते हैं, पेड़ में, वृक्ष में चेतन है, यह हम हजारों साल से मानते आए हैं, उसे जीवित अंश माना गया है। लेकिन यह हमारा सद्भाग्य रहा कि इसी हिंदुस्तान की धरती के संतान डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस ने लेबोरेटरी में सिद्ध करके दिया कि पौधे में भी जीव होता है, जिसे हम कहते थे पौधे में परमात्मा होता है, वरना दुनिया इसे पहले मानती नहीं थी। और जब हम ये बातें कहते थे तो दुनिया हमारा मजाक उड़ाती थी। हमारे लिए प्रकृति मां है,
हमारे लिए प्रकृति दोहन से अधिक उपभोग करने का अधिकार नहीं देती है। हमारे लिए प्रकृति सेवा का माध्यम है। हमारे यहां पेड़ के लिए अपनी जान तक देने की परंपरा रही है। टहनी तोड़ने से भी पहले प्रार्थना की जाती है। जीव जंतु और वनस्पति के प्रति संवेदना हम लोगों को बचपन से सिखाई जाती है। हम रोज पूजा आरती के बाद शांति मंत्र में वनस्पतः है शांति आप है शांति कहते हैं, लेकिन ये भी सत्य है कि समय के साथ इस परंपरा भी उस पर भी आंच आई है। आज संत समाज को इस और भी अपना प्रयास बढ़ाना होगा। जो हमारे ग्रंथों में है, हमारी परंपराओं का हिस्सा रहा है, उसे आचरण में लाने से ही विश्व जिस संकट को झेल रहा है क्लाइमेट का, उस चुनौती का सामना किया जा सकता है। आज भी आप देखिए संपूर्ण विश्व के देशों में जीवन जीने के मार्ग में जब भी किसी प्रकार की बाधा आती है, तब दुनिया की निगाह भारत की महान संस्कृति और सभ्यता पर आकर के टिक जाती है। एक तरह से विश्व की समस्त समस्याओं का उत्तर भारतीय संस्कृति परंपरा ने हजारों साल की अपनी यात्रा के दरमियान रास्ते खोजे हैं, समाधान खोजे हैं। और ये बातें भारत में सहज स्वीकार्य है। हम ही तो लोग हैं जो कहते हैं एक ईश्वर को अनेक रूप में जाना पूजा जा सकता है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है एकम सत विप्राह बहुधा वदंती, एक ही परम सत्य को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। विविधता को हम केवल स्वीकार नहीं करते, हमारे लिए विविधता एक उत्सव है। हम वसुधैव कुटुंबकम, पूरे पृथ्वी को एक परिवार मानने वाले लोग हैं। हम कहते हैं सहनाभवतु सहनोभवतु, सभी का पोषण हो, सभी को शक्ति मिले, कोई किसी से द्वेष ना करे, कट्टरता का यही समाधान है। आतंक के मूल में ही ये कट्टरता है कि मेरा ही मार्ग सही है, जबकि भारत में केवल सिद्धांत रूप में नहीं पर व्यवहार में भी अनेक उपासना के लोग सदियों के से साथ साथ रहते हैं, मिलजुल करके रहते हैं। हमारे संस्कार हैं सर्व पंथ समभाव। मेरा मानना है कि आज के इस युग में हम सभी साथ मिलकर रह रहे हैं, समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं, देश के विकास के लिए प्रयत्नशील है, तो इसकी एक बड़ी वजह साधु संतों द्वारा, हमारे महान ग्रंथों के द्वारा हमें जो मार्ग दिखाया गया है ज्ञान कर्म और भक्ति का, वो हम सबकी प्रेरणा है। आज समय की मांग है पूजा के देव के साथ ही राष्ट्र देव की भी बात हो, पूजा में अपने इष्ट देव के साथ ही भारत माता की भी बात हो। अशिक्षा, अंधश्रद्धा, अज्ञानता, कुपोषण, कालाधन, भ्रष्टाचार, ये जिन जिन बुराइयों ने भारत माता को जकड़ के रखा है, उससे हमारे देश को मुक्त कराने के लिए संत समाज देश को रास्ता दिखाता रहे। मैं ये कामना करता हूं कि आप सभी आध्यात्म के द्वारा हमारे देश की प्राण शक्ति का अनुभव जन जन को कराते रहेंगे। वयम अमृतस्य पुत्राः के एहसास से जनशक्ति को और मजबूत करते रहेंगे। मैं अपने इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। पूज्य मध्वाचार्य जी की
पावन स्मृति में उनके श्री चरणों में प्रणाम करता हूं और इस तीर्थ भूमि को भी नमन करते हुए उपस्थित संतों भगवंतों को प्रणाम करते हुए मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं।